हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फ्रेंड सेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग करने वाले हैं आपके मैथ्स की बुक क्लास सिक्स की मैथ्स की बुक का थर्ड चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। इट मीन्स आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी एक्सरसाइज 3.2। 3.1 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे हम लोगों ने। ये किया था हमने 3.1 में। आज 3.2 में उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 के बाद जो भी क्वेश्चन आपके आने वाले हैं इस चैप्टर में, वो डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। अगर किसी बच्चे ने 3.1 नहीं देखा है तो पहले 3.1 देखना है, उसके बाद 3.2 देखोगे तब जाके कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है। और हाँ, अगर पहली बार इस चैनल पर वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको चैनल वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आई होप आप लोग कॉपी पेंसिल वगैरह सब कुछ लेके तैयार बैठे होंगे, ठीक है, ताकि आप आराम से अच्छे से क्वेश्चन को नोट कर सको, ठीक है। तो ये है आपके 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपसे बोला जा रहा है, पहले क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद नोट करना है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन को समझना ज्यादा जरूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला जा रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर्स इवन नंबर्स, ठीक है। पार्ट ए और बी में दो तरह के क्वेश्चन है इसके अंदर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर छोटे छोटे दो क्वेश्चन बन गए आपके लिए। एक में आपसे बोला जा रहा है कि भी ऑड नंबर्स का सम निकालना है आपको, किसी भी ऑड नंबर का। अब अपने हिसाब से कोई भी ऑड नंबर ले सकते हो। मैंने आपको इवन नंबर और ऑड नंबर कई बार समझा चुका हूं, आज फिर बताने वाला हूं, ठीक है। और दूसरा आपको इवन नंबर लेना है, तो दो इवन नंबर और दो ऑड नंबर लेकर के रिजल्ट निकाल लें कि इनका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के रूप में आप कोई भी नंबर ले सकते हो। जैसे मैंने जो सॉल्व किया, मैंने भी अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक नंबर लिया हुआ है। लेकिन ध्यान क्या रखना, जब ए पार्ट सॉल्व करोगे, ये जो ए पार्ट है इसमें क्या बोला जा रहा है आपको, ऑड नंबर बोला जा रहा है। ऑड नंबर क्या होता है, ऑड नंबर होता है 1, 3, 5, 7, 9, यानी कि वो नंबर होते हैं जो 2 के मल्टीपल्स नहीं होते, ठीक है, यानी कि जो 2 के टेबल में नहीं आते उसे तो हम ऑड नंबर बोल देते हैं। अगर हम इवन नंबर की बात करें, इवन नंबर का मतलब होता है जो 2 का मल्टीपल्स होता है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 इस तरह से चलता रहता है, ठीक है। तो ये तो इवन नंबर हो गए। ऑड नंबर क्या है, जो 2 के मल्टीपल्स में नहीं है। तो अब क्या करना है, हमें सम फाइंड आउट करना है इन दोनों का, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसका जो ए पार्ट है। पहले मैं ए पार्ट करता हूं। तो ए पार्ट में आपसे क्या बोला गया, ऑड नंबर ले लो। तो मैंने क्या किया, यहां पर 5 और 3 नंबर ले लिया। 5 भी ऑड नंबर है और 3 भी ऑड नंबर है, दोनों ऑड नंबर है, दोनों को ले लिया और दोनों को प्लस कर देंगे, या कुछ और भी इसकी जगह ले सकते हो, ठीक है। 5, 3 ले लिया। चलो इसके अलावा क्या ले सकते हो, 15 और 13 भी ले सकते हो, या जो भी मन कर रहा है आपका। मन कर रहा है, नहीं सर हम तो 7 और 9 लेंगे, ठीक है भाई, वो ले सकते हो। 17 और 19 ले सकते हो, मतलब कोई भी नंबर लो। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि वो नंबर क्या होना चाहिए, ऑड नंबर होना चाहिए। तो इसके सोल्यूशन में लिखोगे, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इस इवन नंबर। अब इवन नंबर क्यों आ रहा है, जब हमने प्लस किया 5 और 3 को प्लस किया तो क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो 8 क्या है, 8 इवन नंबर है। अब जब मैंने 15 और 13 को प्लस किया तो मेरे पास क्या आ रहा है, ये भी इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली आप कुछ और भी एग्जांपल लोगे, और दोनों नंबर अगर आपके ऑड नंबर है, ठीक है, अगर दोनों ऑड नंबर होंगे तो ऑड नंबर होने पर क्या होगा कि जब इसे प्लस करोगे, जैसे 7 और 9 को प्लस करोगे तो ये क्या आएगा, ये 16 आ जाएगा। 16 भी क्या है, इवन नंबर है। अच्छा, अगर आप 17 और 19 को प्लस करोगे तो 17 प्लस 10 कितना होता है, 17 प्लस 10 हो जाता है 27, और 27 और 9 क्या हो जाता है, 36 हो जाता है। तो 36 भी हमारा क्या है, इवन नंबर है। तो आप ये लिख सकते हो, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज इवन नंबर, ठीक है, ये आप लिख सकते हो। यानी कि आपने अगर टू ऑड नंबर लिए हैं, दोनों को प्लस करोगे तो आंसर हमेशा इवन नंबर आएगा। ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। अच्छा, अब बी पार्ट में क्या करना है, हमें इवन नंबर लेना है। इवन नंबर का मतलब है 2, 4, 6, 8, 10, 12, सोन, इस तरह से कोई भी नंबर ले सकते हो। तो मैंने एग्जांपल के लिए ये देखो, मैंने लिया है 2 और 8 लिया है, ठीक है, 2 और 8 लिया है। तो इनको प्लस किया तो 10 है, अब अगेन क्या हो रहा है, इवन नंबर आ रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा मैंने ले लिया 12 और 28 लिया है, ठीक है, इनको भी मैंने जब प्लस किया तो ये भी क्या आ रहा है, 40 क्या है, इवन नंबर है। इसके अलावा कुछ और भी ले लो, जैसे 6 और 4 ले लिया सपोज, तो इन दोनों को प्लस करोगे ये भी 10 आ रहा है, तो ये भी क्या है, एक तरह से इवन नंबर है। इसके अलावा कुछ और ले लो, सपोज कि सर हम तो 16 और 14 लेंगे, ठीक है, एक एग्जांपल के लिए मैंने ले लिया, इनको प्लस किया 30 आ रहा है, 30 इज आल्सो इवन नंबर। तो ये सारे क्या है, इवन नंबर है। यानी कि आप ये बोल सकते हो, व्हेन वी टेक
टू इवन नंबर्स, ठीक है, व्हेन वी टेक टू इवन नंबर्स एंड वी कैलकुलेट द सम देन आंसर विल बी इवन नंबर, ठीक है, ये जो मैंने स्टेटमेंट यहां लिख दिया, द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर इज इवन नंबर, हो गया सेटिस्फाई। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या बोला जा रहा है, द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर, ऑड नंबर की बात कर रहे हैं, अगर टू ऑड नंबर ले रहे हो तो उनको भी अगर प्लस करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखना है इस तरह से और इस तरह से सॉल्व करके दिखाना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर वन हो गया कंप्लीट, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। इसमें करना क्या था, इसमें नंबर लेने थे अपने अकॉर्डिंग, कंडीशन क्या है, पहले ऑड नंबर लेना था और सेकंड वाले में इवन नंबर लेना था, ये ध्यान में रखना था। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन जो है, सेकंड में आपको ट्रू फॉल्स के बारे में बताना है, पर उससे पहले क्या है, स्टेटमेंट को रीड करना है और स्टेटमेंट में जो कंडीशन है उसको चेक करेंगे, वो सेटिस्फाई कर रही है नहीं कर रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो अगर सेटिस्फाई हो रहा है इट मीन्स वो ट्रू है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है इट मीन्स फॉल है। तो अभी वन बाय वन एक एक करके सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चन को, A टू J जितने भी पार्ट है इसके सारे पार्ट को सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके सारी कंडीशन को हम लोग चेक करने वाले हैं, ठीक है। तो चलो फिर फर्स्ट पार्ट करते हैं, पहले ए पार्ट। तो पहले क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन में आपसे बोला है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। तो ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसे चेक करना है ये ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। चलो ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट में आपसे बोला जा रहा है सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन नंबर, कि सम ऑफ थ्री ऑड नंबर, थ्री ऑड नंबर लोगे और उसका सम करोगे तो इवन नंबर आएगा, ऐसा बोला जा रहा है। तो इस तरह बी पार्ट में हम लोग इस तरह से क्वेश्चन आपके लिए है कि इसमें ही बोला जा रहा है कि सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन, यानी कि अगर आप टू ऑड नंबर ले रहे हो, सपोज एक नंबर मैंने वन ले लिया, ठीक है, और एक थ्री ले लिया और एक और मैंने क्या ले लिया, एक और फाइव ले लिया, यानी इट मीन्स ये है कि मैंने यहाँ पे क्या तीनों ऑड नंबर लिए हुए, ठीक है। लेकिन जैसे अगर ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है इसके बी पार्ट में कि सम ऑफ टू ऑड नंबर, यानी कि टू तो ऑड नंबर ले लो, यानी कि वन और थ्री मैंने टू नंबर कैसे ले लिया, ऑड नंबर ले लिया, एक इवन ले लेते हैं, इवन का मतलब है कि टू का मल्टीपल हो। तो जैसे यहां मैंने फाइव लिया था, फाइव की जगह यहां पे क्या ले लेता हूं, कोई भी इवन नंबर, सपोज टू ले लिया, तो इसका जो रिजल्ट बोला जा रहा है वो क्या आएगा, इवन आएगा। तो प्लस करके देख लेते हैं, थ्री वन वन क्या हो जाता है, फोर हो जाता है, फोर प्लस टू क्या होता है, सिक्स हो जाता है। तो ये इसका ये कहना है कि अगर आप थ्री नंबर्स ले रहे हो, थ्री में से टू ऑड नंबर ले रहे हो और एक इवन नंबर ले रहे हो, तो रिजल्ट क्या आएगा, तब भी इवन ही आएगा, ये बोला जा रहा है। तो इसी तरह से बाकी स्टेटमेंट है हमारे पास। तो जैसा फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में जैसे बोला था सम ऑफ थ्री ऑड नंबर इज इवन, थ्री ऑड नंबर का सम कितना आएगा, तो जैसे मैंने इसको प्लस किया, थ्री प्लस वन फोर हो गया, फोर प्लस फाइव नाइन आ गया, यानी कि नाइन आने का मतलब क्या हुआ, नाइन हमारा ऑड नंबर हो गया। तो ये जो इवन बोला गया इस वजह से मैं बोल सकता हूं ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। और सेकंड वाले में क्या होगा, ट्रू आ गया, क्योंकि सिक्स क्या इवन नंबर है, ये ट्रू हो गया। मैंने एक एग्जांपल लेके कर रहा हूं, ठीक है। सिमिलरली बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे इस सब के लिए मैंने किया हुआ है, ठीक है, जरा देखो ध्यान से एक बार, ये कुछ इस तरह से, जैसे यह देखो, जैसे फर्स्ट में क्या लिखा, मैंने ट्रू लिखा, ट्रू कैसे, एक नंबर मैंने सेवन ले लिया, सेकंड मैंने नाइन ले लिया, और जब इनका प्लस करते हैं तो क्या आ रहा है, सिक्सटीन आ रहा है। तो सिक्सटीन आने का मतलब क्या हुआ, ये ट्रू हो गया, ट्रू का मतलब ये इवन नंबर आ गया। अच्छा नेक्स्ट देखो बी पार्ट। तो बी पार्ट में जैसा बोला जा रहा है, बी पार्ट के अंदर अगर ध्यान से देखोगे तो बी पार्ट में ये बोला जा रहा था कि सम ऑफ टू ऑड नंबर, टू ऑड नंबर लेना है, ठीक है, टू ऑड नंबर और वन इवन नंबर, ओके ऐसे कर लेते हैं जैसे बोला जा रहा है। तो टू सम ऑफ टू ऑड नंबर, तो ऑड नंबर मैंने क्या ले लिया, थ्री एंड फाइव ऑड नंबर ले लिया, और एक और नंबर इवन लेना है, यानी एट इवन ले लिया, यानी एट प्लस एट कितना हो, सिक्सटीन हो गया। तो ये आई और ई का मतलब यहां पे ये डेट इज, ठीक है, क्या मतलब मीनिंग इसका, इसकी मीनिंग है यहां पे डेट इज, ठीक है, जब ऐसा लिखा हुआ मिल जाएगा इसका मतलब है डेट इज। तो अब ये बोल सकते हो डेट इज इक्वल टू 16, और 16 हमारा क्या इवन नंबर है, तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया, सेकंड कंडीशन भी ट्रू हो गया। और थर्ड में बोला जा रहा है द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, द प्रोडक्ट ऑफ थ्री ऑड नंबर, थ्री ऑड नंबर का अगर प्रोडक्ट निकालोगे, फॉर एग्जाम्पल मैंने थ्री लिया, सेवन लिया और नाइन लिया, ये थ्री नंबर ले लिया, और इस थ्री नंबर का जो प्रोडक्ट निकालोगे वो क्या आएगा, वो ऑड नंबर आएगा। चलो अभी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, थ्री इंटू सेवन करोगे तो क्या आता है, 21 आएगा, ठीक है, इन दोनों का तो कर दिया मैंने, अब 9 से और कर लो, तो 21 को जब 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9 से करोगे, 9 1 जा 9 आ गया, और 9 2 जा 18 आ गया, इट मीन्स 189 क्या है, 189 एक ऑड नंबर है, ठीक है, ऑड नंबर होने का मतलब ये भी ट्रू हो गया, ठीक है। चलो अब देखते हैं डी वाला स्टेटमेंट। डी स्टेटमेंट में बोला जा रहा था आपसे इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू, किसी भी इवन नंबर को डिवाइड करोगे, टू से डिवाइड करोगे, तो क्वेश्चन यानी कि जो बैलेंस बच जाता है आपका, रिमाइंडर जो बच जाता है वो क्या होगा,
वो कुछ ना कुछ बचेगा या नहीं बचेगा उसके बारे में पहले देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रहा है इसको सॉल्व करके देख लेते हैं पहले, उसके बाद स्टेटमेंट को देखेंगे ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जैसे इसमें बोला जा रहा है कि टू इफ 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 एन इवन नंबर्स डिवाइडेड बाय टू, कोई भी इवन नंबर ले लो, जैसे ये एट मैंने इवन नंबर ले लिया और उसे किसे डिवाइड करना है, टू से डिवाइड करना है। ठीक है भाई, एट को टू से डिवाइड करोगे, टू फोर जा एट हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है एक तरह से बोल सकते हो। अब क्वेश्चन यानी कि इसको बोलते हैं क्वेश्चन, ये क्या आ रहा है, ये फोर आ रहा है। अब फोर क्या है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल इवन नंबर आ रहा है। अच्छा, तो इसमें ये बोल रहा था कि भाई इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू द क्वेश्चन इज इवन नंबर, क्वेश्चन क्या होगा, वो इवन नंबर होगा। लेकिन लेकिन हमारे पास जो ये क्या नाम है, जो फोर आ रहा है, फोर क्या आ रहा है हमारे पास, इवन नंबर आ रहा है। तो ये तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये इवन नंबर आ गया, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर इवन नंबर को टू से डिवाइड करोगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा और इसका जो आंसर आएगा, आंसर भी क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। यहां हमारे पास इवन नंबर में आ रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे, डी पार्ट को, अगर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं तो क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है, एक मिनट मैं ले चलता हूं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन में ये बोला था इफ इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय टू द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड नंबर, क्या बोला जा रहा है, ऑड नंबर होगा, जबकि ऑड नंबर तो नहीं है, क्या है हमारा, इवन नंबर आया। तो इट मींस ये हो गया जो डी स्टेटमेंट है हमारे पास, डी वाला, जो डी वाला है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने यहां पर फॉल्स लिख दिया है। अब चलो ई देख लेते, ई में ये बोला जा रहा है ऑल प्राइम नंबर्स आर नॉट ऑड, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं आर नॉट ऑड। अब ये देखो जितने भी ऑड प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट किससे होते हैं, प्राइम नंबर स्टार्ट टू से होते हैं, और प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइडेड होते हैं या खुद के अलावा वो वन से डिवाइड होते हैं, ठीक है। लेकिन टू ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, ठीक है, टू क्या है, ओनली प्राइम नंबर है जो कि टू इवन नंबर है, अदरवाइज सारे के सारे क्या है, थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन सो ऑन, इस तरह से नंबर है, वो सबके सब ऑड नंबर है, सिर्फ टू इनमें से क्या है, वो इवन नंबर है। अब स्टेटमेंट देख लेते हैं ई वाले को, तो ई वाले स्टेटमेंट में बोला जा रहा था कि ऑल प्राइम नंबर आर ऑड, नहीं भाई ऑड का है, टू भी तो है एक, तो टू यहां पे क्या हो गया, इवन नंबर हो गया। इट मींस ये बोल सकते हैं जो स्टेटमेंट ई गिवन है, एक मिनट, ये स्टेटमेंट ई जो हमें गिवन है, ई स्टेटमेंट, ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया। फॉल्स क्यों हो गया, कि टू हमारे पास एक इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है, ये रीजन है इसके पीछे, ठीक है। अब देखते हैं एफ, तो एफ में बोला जा रहा है प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर, कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो उसके कोई फैक्टर नहीं होते हैं, फैक्टर यानी कि उसको किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट वो नहीं आता, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में आप ये बोल सकते हो एफ के बारे में, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, क्यों, कि प्राइम नंबर जो होते हैं इसे हम वन से तो डिवाइड कर सकते हैं, इट मींस उसके फैक्टर क्या होते हैं, वो खुद होते हैं और वन होते हैं। मैं बार बार बोलता हूं प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो होता है जो कि वन से डिवाइड होता है या फिर खुद से डिवाइड होता है, इट मींस वन तो उसका फैक्टर हो गया ना, तो इट मींस ये बोल सकते हो कि ये स्टेटमेंट क्या होगी, फॉल्स होगी। फॉल्स क्यों होगी, सिंस वन इज वन क्या है हमारे पास, फैक्टर है सारे नंबर, जितने भी नंबर्स हैं सबका फैक्टर वन हो सकता है, तो वन एक फैक्टर खुद हो गया, और जो नंबर भी आप लोगे, सपोज अगर प्राइम नंबर ले रहे हो, टू ले लो, थ्री ले लो, फाइव ले लो, सेवन ले लो, ये किससे, वन से तो डिवाइड होगा होगा, और वन के अलावा खुद से होगा, अगर थ्री ले रहे हो तो थ्री और वन हो गया, फाइव से डिवाइड कर रहे हो तो फाइव और वन हो गया, सेवन से करोगे तो सेवन और वन हो गया, यानी कि वन तो सबका ही फैक्टर होता है, तो ये स्टेटमेंट भी हमारा फॉल्स हो गया, ठीक है। अब देखते हैं जी स्टेटमेंट, तो जी स्टेटमेंट में बोला जा रहा है सम ऑफ टू प्राइम नंबर, कि टू नंबर्स ले रहे हो, जैसे बोला जा रहा है सम ऑफ टू प्राइम नंबर, किसी भी दो प्राइम नंबर को ले लो और उसे प्लस करोगे तो वो इवन नंबर आएगा, क्या आएगा, इवन नंबर आएगा, ये बोला, इवन का मतलब टू का मल्टीपल। लेकिन मैं अगर टू और थ्री ले लेता हूं, ये दोनों क्या प्राइम नंबर है, तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, ये तो भाई क्या आ रहा है हमारे पास, ये हमारे पास फाइव आ रहा है, तो फाइव क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया, तो ये स्टेटमेंट भी यानी जी वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो गया, क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आप इसको फॉल्स बोल सकते हो। इसके अलावा एक और एग्जांपल लेना चाहो तो एक और एग्जांपल लेके कर सकते हो, एक टू ले लो, एक फाइव ले लो, टू और फाइव दोनों प्राइम नंबर है, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ रहा है, सेवन आ रहा है, सेवन क्या, ऑड नंबर हो गया, लो फिर से फॉल्स हो गया, दो एग्जाम्पल मैंने बता दिए, दोनों एग्जाम्पल से फॉल्स हो गया। चलो एच और देख लेते हैं, तो एच में और बोला जा रहा है टू इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल ट्रू है, ये तो मैं बार बार अभी रिपीट कर रहा था कि टू ओनली प्राइम नंबर है जो कि इवन नंबर है, अदरवाइज सबके सब क्या है, ऑड नंबर है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया, ठीक है। तो बोल सकते हैं ये वाला जो स्टेटमेंट है ये ट्रू हो गया। अच्छा, उसके बाद देखते हैं आई, आई में बोला जा रहा है, एक मिनट निकालता हूं, हाँ आई में बोला जा रहा है ऑल इवन नंबर, जितने भी इवन नंबर होते हैं उन सबके बारे में बात की जा रही है, ऑल इवन नंबर आर कंपोजिट नंबर,
जितने भी इवन नंबर होते सब कंपोजिट नंबर। अच्छा पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है पहले वो समझ लो। याद करो मैंने एक टेबल दिखाया था फर्स्ट पार्ट में 3.1 में, तो मैंने ये बोला था कि भी जितने भी नंबर है उसे बॉक्स में, यानी कि 2, 3, 5, 7, ये तो हमारे पास क्या है प्राइम नंबर, और इसके बीच में जो नंबर रह गए यानी कि 1, यहां से क्या रह गया यहां 4 आ जाएगा, 1, 4, यहां से 6, 6 के बाद 8 आ जाएगा, 9 भी आ जाएगा यहीं पे, ये 9 भी कंपोजिट नंबर होगा। तो ये जो नंबर जो बच गए अदर देन प्राइम नंबर जितने भी बच गए हमारे पास होल नंबर, दैट इज क्या है वो सबके सब क्या है कंपोजिट नंबर है। अच्छा अब आपसे ये बोला जा रहा है ऑल इवन नंबर जितने भी इवन नंबर होते हैं वो सब कंपोजिट नंबर होते हैं। नहीं भाई सब कैसे हो सकते हैं, 2 भी तो इवन नंबर है और 2 कंपोजिट नंबर थोड़ी है, 2 तो भाई प्राइम नंबर है। तो आई भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया फॉल्स हो गया। रीजन समझ में आया क्या, रीजन बहुत सिंपल है कि 2 क्या है हमारे पास प्राइम नंबर है इसलिए मैं बोल सकता हूं ये फॉल्स हो गया। ध्यान से देखो जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब लास्ट इसका जे पार्ट और देख लेते हैं फिर ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जे में आपसे बोला जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लीकेशन, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन है। 2 इवन नंबर यानी कि 2, 4 ले लो, इनको मल्टीप्लाई करो 8 आ गया, या फिर 6 एंड 4 ले लो, मैंने दोबारा दोनों इवन नंबर लिया, रिजल्ट क्या आ रहा है 24 आ रहा है। तो ये भी क्या है हमारे पास इवन नंबर, हाँ ये मैं कह सकता हूं कि भाई ये क्या है ट्रू हो जाएगा, ठीक है क्या हो जाएगा बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये हर कंडीशन में सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप इसे बोल सकते हो ये ट्रू यानी कि सही बात है। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंथी है पर वन बाय वन एक एक पार्ट को अगर ध्यान से देखोगे, इस वाली पेज को अच्छे से देखना है और इसके बाद इधर जो मैं जहां से मैं क्वेश्चन करवा रहा था दोनों को आराम से देखना, जो वीडियो को रिपीट करके देखोगे तो इस वाले पोर्शन को दोबारा आराम से थोड़ा स्लो करके आराम से देखना, पहले एक बार समझ लेना फिर नोट करना तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक आपके पास क्या है वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है कि द नंबर 13 और 31 के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। 13 और 31 आर प्राइम नंबर, हाँ भाई 13 भी प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर्स आर प्राइम नंबर, ओके बिल्कुल करेक्ट है। आगे बोला जा रहा है बोथ दीज नंबर हैव सेम डिजिट 3 एंड 1, दोनों क्या है 3 और 1 दोनों के पास इस तरह सेम डिजिट नंबर, ओके। अब आगे बोल रहा है फाइंड सच पेयर ऑफ प्राइम नंबर अप टू 100 तक ऐसे नंबर आइडेंटिफाई करने हैं जो कि सेम डिजिट से बने हो, जैसे ये एग्जांपल जो दे रखा है ना 13 एंड 31 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों सेम है ये 3 और 1, इसी तरह बाकी और हमें बताने थे। तो देखो मैंने सोल्यूशन कैसे किया, ये देखो सोल्यूशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो अब ये बोल सकते हो कि 17 और 71, 37 और 73 और उसके बाद 79 97, यानी कि ये दोनों पेयर 17 और 71 देखोगे दोनों क्या है दोनों प्राइम नंबर है, ठीक है प्राइम नंबर हो गए दोनों के दोनों, ठीक है। इसमें भी ये प्राइम नंबर हो गए, इन ये दोनों भी प्राइम नंबर हो गए, ये दोनों भी प्राइम नंबर हो गए। इस वाले में क्या है 1 और 7 यूज हो रहा है 17 में, और 71 में भी क्या है 7 और 1, यानी कि सेम डिजिट यूज हो रहा है दोनों में, तो दोनों क्या प्राइम नंबर। एक एग्जांपल हमारे पास ये हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या होगा 3 एंड 7 का एग्जांपल हो गया, 37 से 37 हो गया और 73 हो गया, और ये दोनों के दोनों क्या है प्राइम नंबर है, ठीक है। अच्छा उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि 79 यानी कि 79 या फिर बोलो 97 97, ये दोनों क्या है 7 और 9 से नंबर बने हुए और दोनों प्राइम नंबर है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो कि पेयर कौन सा, फर्स्ट पेयर क्या हो गया हमारे पास, ये देखो फर्स्ट पेयर तो ये हो गया, ठीक है, सेकंड पेयर हमारे पास ये हो गया और थर्ड पेयर ये हो गया, ठीक है। तो इस थर्ड का आंसर तो इस तरह लिख सकते हो। अच्छा इसके अलावा अगर कोई बच गया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसके अलावा कोई और प्राइम नंबर है। याद करो जितने 3.1 में मैंने जितने भी 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर है सारे के सारे प्राइम नंबर एक जगह मैंने दिखा दिए थे कि भाई ये सारे प्राइम नंबर है, ठीक है। तो उसी तरह से बाकियों के बारे में बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया, चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे बोला जा रहा है राइट डाउन सेपरेटली, बिल्कुल सेपरेटली आप लोग को बताना है, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ठीक है, लेस देन 20 तक के जितने भी प्राइम नंबर एक तरफ करना है और कंपोजिट नंबर एक तरफ। तो प्राइम नंबर के बारे में समझ लो, एवरी प्राइम नंबर इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन, यानी कि प्राइम नंबर क्या होते हैं या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर वन से डिवाइड होंगे। प्राइम नंबर के बारे में क्या कंडीशन है, सिंपल सा कंडीशन है प्राइम नंबर के बारे में कि या तो वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर वन से डिवाइड होंगे,
यानी कि वन से डिवाइड कर सकते हो या फिर वो खुद से, जो भी नंबर होगा वो खुद से डिवाइड होगा, तो वो प्राइम नंबर हो गए। अच्छा, अब बात करते हैं कंपोजिट नंबर के बारे में। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो प्राइम नंबर होता है उनको अगर हम छोड़ दें, ठीक है, अदर देन प्राइम नंबर, ठीक है, जितने भी प्राइम नंबर उसको छोड़ दो, तो बीच में जितने भी गैप में जो भी नंबर आ जाते हैं वो सारे के सारे कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, चलो अब सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में लिख सकते हो इस तरह, सॉल्यूशन लिखोगे ऐसे, फिर लिखोगे जैसे पहले प्राइम नंबर लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। अब बोलोगे सर 23 क्यों नहीं लिख रहे हो, सर सोच रहे होगे 29 क्यों नहीं लिख रहे हो, वो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला गया लेस देन 20, ठीक है, 20 से नीचे तक के बताने हैं, ठीक है, 20 से ऊपर हमें नहीं जाना है। तो आप ये बोल सकते हो कि जितने भी प्राइम नंबर हैं, जो कि प्राइम नंबर जो कि लेस देन 20 है, वो कौन कौन से नंबर है, वो नंबर है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है, ये सब क्या है, ये सारे सारे प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी नंबर बच जाएंगे वो सारे कंपोजिट नंबर होंगे। अच्छा, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 तो इधर आ गया, तो बचा क्या यहां पे, 3 भी यहां आ गया, 3 के बाद 4, तो 4 मैंने यहां लिख दिया, कंपोजिट नंबर हो गया। 5 प्राइम नंबर हो गया, तो 6 क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। 7 प्राइम नंबर हो गया तो 8 कंपोजिट नंबर, 9 कंपोजिट नंबर, 10 कंपोजिट नंबर, 11 देखो यहां आ गया प्राइम नंबर, तो बचा गया 12 कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है, अब 13 प्राइम नंबर है तो 14 कंपोजिट नंबर हो गया, 15 भी कंपोजिट नंबर, 16 भी कंपोजिट नंबर, 17 यहां पे आ गया प्राइम नंबर में, 18 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, और उसके बाद 18 के बाद 19 प्राइम नंबर हो गया। अच्छा, अगर मैं 20 के बारे में बात करूंगा तो 20 के बारे में मुझे बताना आप लोग कि 20 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये भी मुझे कमेंट में नीचे कमेंट करके बताओ कि 20 इज प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, कौन सी कैटेगरी के अंदर डालोगे 20 को भी, प्राइम नंबर के अंदर या कंपोजिट नंबर के अंदर। क्वेश्चन में बस ये बोला है लेस देन 20 बताओ, लेकिन मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि 20 के बारे में बताओ, 20 प्राइम नंबर है या फिर कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ये कमेंट करके बताना। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हो। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस समझना था इसके अंदर। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार रीड कर लो अच्छे से। ठीक है, एक मिनट गड़बड़ हो गई है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 को अच्छे से रीड कर लो एक बार, आई होप सबने पढ़ लिया होगा। चलो अब मैं समझाता हूं क्या है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है व्हाट इज ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1 एंड 10, यानी कि 1 और 10 के बीच में, किसके बीच में, एक मिनट, फिफ्थ क्वेश्चन है ना, हाँ, 1 से 10 के बीच में हमें क्या बताना है, ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब जो सबसे बड़ा हो, ग्रेटेस्ट मतलब जो लार्जेस्ट, सबसे बड़े वाले की बात की जा रही है। तो कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। तो पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए भाई 1 और 10 के बीच में प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो सोल्यूशन में लिख रहा हूं 2, 3, 5, 7, दीज आर द नंबर्स जिसे हम कह सकते हैं वो क्या, प्राइम नंबर है। तो आप ये लिख सकते हो 2, 3, 5, 7, क्या लिखोगे, 2, 3, 5 एंड 7 आर प्राइम नंबर, ये क्या है, प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, अच्छा, जो कि किसके बीच में, 1 से लेकर 10 के बीच में। अच्छा, बिटवीन 1 टू 10, ठीक है, यहां तक हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें सबसे ग्रेटर क्या है, ग्रेटर का मतलब सबसे बड़ा नंबर क्या है, तो सबसे बड़ा नंबर मुझे क्या दिख रहा है, यहां 7 दिख रहा है। तो आंसर सिंपल हो गया, आंसर क्या लिखोगे यहां पे, तो 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, 7 इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर अमंग्स देम, अमंग्स का मतलब यहां क्या है, बिटवीन 1 टू 10, यानी कि 1 से लेकर 10 के बीच में जो ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर है वो 10 हो जाएगा। ठीक है, जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर क्या होगा, वो हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, समझ में आ रहा है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग, इनको एक्सप्रेस करना है एज सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स, किसके अंदर, 2 ऑड प्राइम नंबर्स, यानी कि जो 44 है इसे 2 प्राइम नंबर्स में। तो देखो मैंने सोल्यूशन में किया, ए में मैंने किया 44 को क्या लिखा, मैंने 3 प्लस 44 के लिए मैंने क्या 41 लिख दिया, इन दोनों को अगर प्लस करोगे तो क्या आ जाएगा, 44 आ गया। ठीक है भाई, रिजल्ट आ गया हमारा। उसके बाद ये जो बोला 3 और 41, अगर ध्यान से देखो दोनों के दोनों क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, तो भाई यही करना था इसके अंदर, यानी कि जो गिवन नंबर है हमारे पास उसे 2 ऑड प्राइम नंबर में यूज करना है, यानी कि इवन नंबर वाला यूज नहीं करना है, ऑड नंबर वाला यूज करना है। और ऑड नंबर वाला भी कैसा होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, यानी 3 और 41 दोनों प्राइम नंबर है, दोनों को मैं प्लस करूंगा तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 44। ठीक है, हो गया ए पार्ट। चलो अब बी पार्ट देखते हैं। तो बी पार्ट में 36 गिवन है, तो 36 को भी सिंपली लिख सकते हो 5 प्लस 31, तो 5 भी हमारे पास क्या है, 5 भी हमारे पास प्राइम नंबर है और 31 भी प्राइम नंबर है,
जब दोनों को प्लस करोगे 36 आएगा और 36 हमारा आंसर आ गया, यानी कि 36 को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया 5 और 31 के अंदर। नेक्स्ट 24 है, तो 24 को कैसे ब्रेक करोगे, 24 को भी 5 प्लस 19, यानी कि 5 और 19 ये दोनों क्या है, प्राइम नंबर हो गए। प्लस करते हैं तो कितना आता है 24, बस 24 ही तो बोला था मैं, 24 को ब्रेक करो, तो मैंने 5 प्लस 19 के रूप में से ब्रेक कर दिया। इजी है। चलो अब देखो नेक्स्ट 18 के बारे में बोला जा रहा है कि 18 को कैसे ब्रेक करोगे, तो 18 को ब्रेक करने के लिए क्या करोगे, 5 प्लस 13 लिख दोगे, तो 13 इज आल्सो प्राइम नंबर एंड 5 इज आल्सो प्राइम नंबर, तो बोथ ऑफ दीज नंबर आर प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर हो गए, और जब सम टोटल करोगे दोनों का तो 18 आ रहा है, क्वेश्चन में 18 ही दे रखा है, तो जब 18 को ब्रेक करोगे तो लिख सकते हो 5 प्लस 13 दीज टू नंबर्स आर प्राइम नंबर्स। हो गया क्लियर, डाउट नहीं होगा इसके अंदर, समझ में आ रहा है, चलो गुड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, फिर भी अगर देख लो कोई डाउट हो रहा है इसलिए मैंने दोबारा से लिख के करके सबको समझा रहा हूं, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, तो 7 क्वेश्चन में बोला जा रहा है गिव 3 पेयर्स, आपको 3 पेयर देने, पेयर मीन जोड़े की बात की जा रही है, गिव 3 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज 2, उनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए, ठीक है, ऐसे नंबर है। तो यहां पे ये वाला रिमार्क में एक हिंट के लिए दे रखा है कि 2 प्राइम नंबर्स हूज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम, यानी कि 2 प्राइम नंबर है अगर उनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है जब उन्हें माइनस करोगे तो माइनस करके अगर उनके बीच का आंसर 2 आ रहा है तो उसे ट्विन प्राइम नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर क्यों बोलते हैं, क्योंकि उनके बीच का डिफरेंस 2 आ रहा है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन कौन से, तो अगर आप 3 और 5 को लेते हो तो 5 में से अगर 3 माइनस करोगे तो आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, इट मींस 3 और 5 क्या है, पेयर जो है वो ट्विन प्राइम है। नेक्स्ट 7 और 5, 7 में से 5 माइनस करोगे तो ये क्या आ रहा है, ये भी 2 आ गया आंसर, तो ये बोल सकते हो कि 7 और 5 का जो पेयर है ये ट्विन प्राइम है। नेक्स्ट बोल सकते हो 13 माइनस 11 करूं, 13 में से 11 माइनस करूं तब भी हमारे पास 2 आ रहा है, तो ये भी क्या है, प्राइम नंबर है। इसी तरह और क्या हो सकता है कि 19 में से अगर 17 माइनस करूं तो ये भी 2 आ रहा है, तो 19 इज आल्सो प्राइम नंबर और 17 इज आल्सो प्राइम नंबर। तो लेकिन हमें इस क्वेश्चन में कितने पेयर लेने थे, ओनली 3 पेयर लेने थे, तो मैंने ये फर्स्ट पेयर हमारा ये हो गया, सेकंड पेयर ये हो गया मेरा, और थर्ड पेयर की बात करूं तो ये थर्ड पेयर हो गया, ठीक है, 3 पेयर ले। अगर 4 पेयर बोलता तो आप 17 और 19 भी ले सकते थे, पर ये समझाने के लिए मैंने लिखा, इसमें पूछा नहीं जा रहा, इसमें कोई भी 3 आंसर लिख दो करेक्ट है, ठीक है, कोई सा भी 3 लिख दो करेक्ट है, समझाने के लिए मैंने एक और एग्जांपल के लिए ले लिया, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, अभी तक मुझे लगता है क्लियर हो रहा है, अगर नहीं क्लियर हो रहा है तो अभी नोट मत करो, पहले समझ लो और समझने के बाद दोबारा नोट कर लेना, दोबारा वीडियो को देख करके, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो 8 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, कि इनमें से कौन कौन से नंबर है प्राइम नंबर है, ठीक है। तो पहले तो प्राइम नंबर की कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय, कंडीशन क्या है, डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, यानी कि वो खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से डिवाइड होंगे और इसके अलावा किसी डिवाइड नहीं होंगे। चलो भाई एक एक करके चेक कर लेते हैं, तो सबसे पहले चेक करते हैं किसको, 23 को चेक करते हैं, तो 23 भाई 23 क्या है, 20 इसको लिख सकते हैं, 23 1 से डिवाइड हो सकता है या फिर 23 से हो सकता है, तो ये क्या है, बिल्कुल प्राइम नंबर है, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो देयरफॉर 23 के बारे में लिख सकते हो कि 23 हैज ओनली 2 फैक्टर्स, वो फैक्टर्स क्या है, 1 एंड 23, जिससे डिवाइड होता है, तो हम कह सकते हैं हेंस इट इज अ प्राइम नंबर, तो ये क्या है, प्राइम नंबर हो गया। तो प्राइम नंबर की कंडीशन ही यही है भाई कि वो 1 से डिवाइड होगा और 1 के अलावा वो खुद से होगा, खुद का मतलब 23 से ही डिवाइड होगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, चेक करते बी पार्ट इसका, तो बी पार्ट में बोला जा रहा है कि 51 के बारे में बताओ। चलो भाई देखते हैं 51 किसी के टेबल में आता है क्या, हाँ भाई 51 तो भी आता है, किसके टेबल में आता है, 17 के टेबल में भी आ सकता है और 3 के टेबल में भी आ सकता है, यानी कि अगर मैं 51 को लिखना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं 17 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी कि ये 1 का भी डिविजिबल हो गया, 3 का भी डिविजिबल हो गया और 17 का भी डिविजिबल हो गया, और 51 का तो डिविजिबल होता ही है, तो यानी कि ये प्राइम नंबर होगा, नहीं भाई ये नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें 3 इतने सारे नंबर हो गए, 1 3 17 एंड 51, इतने सारे नंबर क्या है, 51 को डिवाइड कर सकते हैं, तो आप ये लिख सकते हो हैंस इट इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज अ कंपोजिट नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि प्राइम नंबर की जो कंडीशन है वो खुद से डिवाइड होता है
ठीक है, या फिर वन से डिवाइड होता है। लेकिन यहां पर अगर ध्यान से देखोगे तो यहां नंबर क्या आ रहे हैं, नंबर यहां पे 17 एक्स्ट्रा आ गया, तो आप इसे बोल सकते हो यानी कि 17 के टेबल में भी आ रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, 3 से भी हो रहा है तो भी प्राइम नंबर नहीं हो गया। चलो अब नेक्स्ट चेक करते हैं 37 के लिए, सी पार्ट के अंदर। तो 37 किसी भी टेबल में नहीं आता, 37 को या तो 1 से डिवाइड करोगे या 37 से डिवाइड करोगे। जैसे मैंने लिखा ना 1 × 37 = 37 होता है, और 37 × 1 करोगे तो भी 37 होता है। इसके अलावा कोई और टेबल नहीं है जिसके अंदर 37 आता है। तो आप ये बोल सकते हो देयर फोर 37 हैज फैक्टर्स 1 और 37, तो दीज आर टू फैक्टर्स ऑफ 37, 1 और 37। तो आप ये बोल सकते हो हैंस इट इज अ प्राइम नंबर। तो ये क्या हो गया, एक प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की कंडीशन यही है, या वो अपने से डिवाइड होगा या वन से। तो देखो वन से डिवाइड हो गया और 37 खुद से डिवाइड हो गया, प्राइम नंबर हो गया। ठीक है, अब आते हैं 26 के बारे में। तो 26 के लिए कंडीशन क्या है, भी सेम कंडीशन है, 1 से डिवाइड होगा 26 से। लेकिन 26 क्या होता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है भाई। किससे डिवाइड हो जाता है, 2 से भी हो सकता है, 13 से भी हो सकता है। यानी कि 26 को इस तरह लिख सकते हो, 2 × 13 लिख सकते हो, × 1 लिख सकते हो। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 13 से भी डिवाइड हो सकता है, और 26 से तो होगा ही होगा, और 26 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये इतने सारे नंबर है जो कि 26 को डिवाइड कर सकते हैं। तो इतने सारे नंबर से अगर ये डिवाइड होने लग गया तो भाई हम इसको प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे। ठीक है, इसे हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे, कंपोजिट नंबर। तो आप लिख सकते हो देयर फोर 26 हैज 4 फैक्टर्स, 1, 2, 13 और 26, हेंस इट इज अ प्राइम, इट इज नॉट प्राइम नंबर, नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट ध्यान रखना, नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज कंपोजिट नंबर। ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप ये कह सकते हो, इसके अंदर जो चार डिफरेंट डिफरेंट नंबर दिए गए थे तो हमने एक एक करके सबको चेक कर लिया भी कौन से प्राइम नंबर है और कौन से नहीं है। इजी क्वेश्चन था, एक एक करके चेक करना था, चेक हमने इस तरह से कर लिया। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 है। चलो 9 को समझते हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड करो खुद से, ठीक है, पूरा रीड करो, समझो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। चलो अब मैं समझाता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आप लोगों से बोला जा रहा है राइट 7 कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव का मतलब होता है एक के बाद एक नेक्स्ट जो आता है। ठीक है, राइट 7 कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर्स लेस देन 100, जो एक के बाद आते हैं और कहां से कहां तक होने चाहिए, वो 100 से छोटे होने चाहिए। ठीक है, और देर इज नो प्राइम नंबर, और उनके बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आना चाहिए। तो मैं बोल सकता हूं कि भी इसका आंसर अगर मुझे लिखना है तो मैं इसका आंसर ऐसे लिखूंगा कि 7 कंपोजिट नंबर्स बिटवीन 89 to 97, यानी कि 89 और 97 के बीच में 7 कंजुगेटिव नंबर मैं लिख सकता हूं। अब सोचोगे क्या क्या है, तो देखो भाई क्या क्या लिख सकते हैं। देखो इस तरह लिख सकते हो, क्या 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 विच आर प्राइम नंबर। पहले तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं उसको नहीं लिखना है, हमें क्या करना है इसके अंदर सिर्फ कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर लिखना है। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, जो प्राइम नंबर को छोड़ने के बाद जो बाकी नंबर बच जाते हैं उसे हम कंपोजिट नंबर होते हैं। ठीक है, तो आप इसे बोल सकते हो भी कि भी 89 के बाद क्या 90 कंपोजिट नंबर है, 91 कंपोजिट नंबर है, 92 कंपोजिट नंबर है, 93 ये भी कंपोजिट हो सकता है, 94, 95 और 96। तो ये जो नंबर है, यानी कि कितने नंबर हो गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, 4, 5, 6, 7, तो दीज आर द नंबर, ये क्या है हमारे कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। इसके अलावा मैंने इसकी क्या करें, इनके फैक्टर निकाल के बता दिया भाई, इसके फैक्टर क्या क्या है। तो सबसे पहले 90 के फैक्टर देख लो भाई, 90 के फैक्टर क्या क्या है, तो 90 के फैक्टर बोल सकते हो 91 से, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 7 से, इन सारे नंबर से 90 डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर आप 91 की बात करेंगे तो 1, 7, 17, 91 इनसे डिवाइड हो जाएगा, इसलिए इसे कंपोजिट नंबर बोलेंगे। 92 इन सारे नंबर से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 93 के बारे में बात करें तो 3 से, 31 से और 93 से डिवाइड हो जाएगा। 94 की अगर बात करूं तो ये 247, 94 और 1 से तो होगा होगा, तो ये कंपोजिट नंबर हो। सिमिलरली आप 95 के बारे में बोल सकते हो 1, 5, 17 और 95, तो इनसे ये डिवाइड हो जाएगा, तो यानी कि ये कंपोजिट नंबर हो गया। और 96 को भी इतने सारे नंबर, ये सारे नंबर दिख रहे हैं ना, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32, 48, 96, तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स है।
ठीक है। तो इतने सारे फैक्टर हो गए तो ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे। तो जैसे आपसे पूछा गया था कि लगातार 7 ऐसे कौन से कंजोगेटिव नंबर हैं जो कि कंपोजिट नंबर होने चाहिए, तो मेरे पास आंसर क्या हो गया, आंसर आपका हो गया 90। देखो इधर 90, 91, 92, 93, 94, 95 एंड 96। और रीजन मैंने क्या लिख दिया, रीजन ये लिख दिया भाई कि इनके इतने सारे फैक्टर हैं, फैक्टर देख लिया, तो ये पूरा नोट करना है, ठीक है, इजी है ना, बस चेक करना था मैं। अच्छा अब सोच रहे हो सर ये कैसे पता लगा है, सर ये कंपोजिट नंबर है प्राइम नंबर है, तो भाई सिंपल सा भाई, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, सिखाया था ना, जैसे 90 चेक करना है तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो भाई ये 2 से हो जाएगा 45 हो गया, फिर 5 से हो जाएगा, चाहो तो 3 से कर लो, पहले 3 से हो जाएगा, 3 1 जा 3, ठीक है, और यहां से क्या बचा हमारे पास, 1 यानी 3 5 जा 15, अब अगेन 3 से करोगे तो ये 5 आ गया, अगेन 5 से करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 2 3 3 एंड 5, तो ये सब इसके क्या है, कंपोजिट नंबर्स हो गए, इसके फैक्टर्स हो गए। इसके अलावा 2 और 6, 2 3 जा 6, ये भी इसके हो गया, 3 3 जा 9, 9 भी इसके हो गए, और इसी तरह 3 5 से 15 निकाल सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे इसके फैक्टर आप निकाल सकते हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं बचा बल्कि ये क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया, ठीक है। तो ये समझाने के लिए था, हमें सिर्फ करना इतना ही था, ये मैंने समझाने के लिए कि भी साके आप लोगों को क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इसलिए बता रहा था, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो 10 क्वेश्चन में है आपके लिए, देखो एक बार क्वेश्चन को और देखो समझो और रीड करो क्या इसके अंदर, ठीक है, क्वेश्चन देख लिया। चलो अब मैं समझाता हूं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला जा रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है एक्सप्रेस, यानी एक्सप्रेस का मतलब होता है उसको लिखना होता है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज सम ऑफ 3 ऑड प्राइम नंबर्स, यानी कि जो भी नंबर गिवन है इनको 3 नंबर में डिवाइड करना है और सबके सब क्या होने चाहिए, ऑड प्राइम नंबर्स होना चाहिए। यानी कि पहले 21 को डिवाइड ब्रेक करोगे, 21 के बाद 31 को ब्रेक करोगे, सिमिलरली ये जितने भी नंबर हैं सबको ब्रेक करोगे 1 बाय 1, ठीक है। चलो करते हैं, सबसे पहले करते हैं भाई 21 को करते हैं, यानी ए पार्ट को करते हैं, ठीक है। तो मैं 21 को लिख सकता हूं जैसे लिखा ना, 3 प्लस 5 प्लस 13, यानी कि 3 भी एक प्राइम नंबर हो गया, 5 भी प्राइम नंबर हो गया और 13 भी प्राइम नंबर हो गया। और जब इनका सम टोटल करोगे, यानी 3 5 क्या हो गया, 8 हो गया, और ये 13 दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो 21 आ गया ना, तो आप ये बोल सकते हो भाई कि 21 को अगर मुझे 3 ऑड प्राइम नंबर में अगर ब्रेक करना हो, तोड़ के लिखना हो, तो लिख सकता हूं 3 प्लस 5 प्लस 13, जो मैंने यहां लिखा है ना, ये देखो इधर 3 प्लस 5 प्लस 13, ठीक है, दोबारा लिख देता हूं, ये देखो 3 प्लस 5 13, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सिमिलरली 31 के लिए करना चाहो तो 31 के लिए क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 प्लस 23, ठीक है, 3 प्लस 5 23, और ये 3 5 और 23 ये तीनों नंबर क्या है, हमारे प्राइम नंबर है। अगर 51 के लिए करना हो तो उसका भी कर सकते हो भाई, 13 प्लस 17 प्लस 23, यानी कि 13 17 और 23 ये क्या है, तीनों के तीनों क्या है, तीनों के तीनों हमारे क्या है, प्राइम नंबर से, और जब इनको प्लस करोगे तो 53 आ रहा है, ठीक है, यही चेक करना था हमें। और लास्ट में 61 के लिए और चेक करो, तो 61 को ब्रेक करके लिख सकते हो 7 प्लस 13 प्लस 41, ठीक है, ये तीन नंबर है जिनको प्लस करने पे 61 आ रहा है, और ये तीनों 7 13 और 41 तीनों क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर, P4 प्राइम N4 नंबर, ठीक है, क्या है, ये प्राइम नंबर हो गए। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के अंदर 10th में क्या करना था, इसे ब्रेक करके करना था। अच्छा अब क्या करना है तुम्हें, एग्जाम के रूप में इसे इस तरह से प्रैक्टिस भी करना है। तो आज कमेंट बॉक्स में मुझे ऐसे और नंबर, जिस तरह से ये हो गए, इसके अलावा मुझे ये बताना अगर मुझे 71 को ब्रेक करना हो तो कैसे लिख सकते हैं। अच्छा 71 के अलावा एक और नंबर ले लेता हूं मैं, 91 ले लेता हूं, ठीक है। तो 91 और 71 के बारे में बताना भी, क्या हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, अगर लिख सकते हैं तो कैसे लिख सकते हैं। तो मुझे ये आज आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताना कि किसको ब्रेक करोगे, 71 को और 91 को ब्रेक करके मुझे आंसर बताना, ठीक है। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों के लिए है, तो क्वेश्चन देखो और समझो पहले क्या है इसके अंदर, रीड कर लिया क्वेश्चन, चलो मैं समझाता हूं ध्यान से देखो। 11 क्वेश्चन में आपसे बोला जा रहा है, देखो राइट 5 पेयर्स, कितने पेयर लिखने हैं, 5 पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर के पेयर बनाना है, और वो नंबर कैसे होना चाहिए, लेस देन 20, यानी कि नंबर्स कैसे होने चाहिए, लेस देन 20 का मतलब होता है कि 20 से छोटे होने चाहिए, उससे बड़े नहीं होने चाहिए। जो पेयर में नंबर यूज करोगे ना, दो दो नंबर, वो दोनों नंबर 20 से लेस देन होने चाहिए, 20 से छोटे होने चाहिए,
ठीक है, हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, और उसके सम यानी कि टोटल करो तो क्या आना चाहिए, 5 से डिवाइड हो जाने चाहिए, यानी कि दो नंबर लेने हैं, दोनों प्राइम नंबर होने चाहिए, दोनों को प्लस करोगे जो भी आंसर आएगा वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो हिंट के लिए यहां पे दे दिया, जैसे 3 और 7 है, यानी 3 और 7 दोनों प्राइम नंबर हो गए, अब दोनों को प्लस करोगे तो क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, और 10 5 के टेबल में आता है, 5 2 10 होता है, ठीक है। तो ये तो इन्होंने सॉल्व कर दिया, इसलिए हम ये वाला आंसर नहीं ले सकते, हमें कुछ और लेना पड़ेगा। तो मैंने करा है क्वेश्चन को, जरा देखो ध्यान से सॉल्यूशन। द फाइव पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 20 हुज सम इज डिविजिबल बाय 5, तो आप लिख सकते हो, पहले तो 5 ले लिया, 15 ले लिया, 20 अगेन 20 एंड 30, कैसे कैसे समझो। तो 5 को अगर मुझे ब्रेक करना हो, 2+3 के रूप में ब्रेक कर सकता हूं, 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर है, हो गया, और 5 5 के टेबल में भी आते हैं। सिमिलरली 2 और 13 लोगे, 2 भी प्राइम नंबर है, 13 भी प्राइम नंबर है, और दोनों को जब प्लस करोगे तो 15 आएगा, और 15 3 से डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट 3 और 17 दोनों प्राइम नंबर है, और जब प्लस करोगे 20 आ रहा है, 20 आने का मतलब ये है कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली 7 और 13 देखो, 7 और 13 दोनों नंबर कैसे हैं, दोनों के दोनों प्राइम नंबर हैं, और दोनों जब प्लस करके 20 आते हैं, जो कि 5 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 19 और 11 देखो, 19 और 11 क्या है, दोनों प्राइम नंबर है, और जब दोनों को मैं प्लस करके 30 निकालूंगा तो 30 भी 5 से डिवाइड हो जाएगा। और ये जितने भी नंबर मैंने लिए हैं एक बार ध्यान से देखो, सबके सब क्या है, 20 से लेस देन है, 20 से छोटे हैं सबके सब, 2 3 2 13 2 17 7 13 और 19 11, ये सबके सब क्या है, छोटे नंबर हैं 20 से, ठीक है, और सबके सब क्या है, प्राइम नंबर भी है। ऐसे 5 पेयर की बात की गई थी हमारे से क्वेश्चन में कि राइट 5 पेयर, तो फर्स्ट पेयर क्या हो गया हमारा, ये फर्स्ट पेयर हो गया, ये सेकंड पेयर हो गया, ये वाला थर्ड पेयर हो गया, और ये फोर्थ पेयर कौन सा, 20 वाला, और 30 कौन सा हो गया, ये भी फिफ्थ पेयर हो गया। अब 20 मैंने दो बार लिए हैं, ठीक है, लेकिन 20 के अंदर जो दोनों आंसर है अलग अलग है, 3 और 17 है और 7 और 13 है, ये डिफरेंट है, ठीक है। ये मत बोलना सर 20 दो बार लिख दिया, अरे भाई 20 दो बार जरूर लिखा है, पर इसके बीच के जो आंसर है, नंबर जो हमने लिए वो अलग लिए, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये क्वेश्चन नंबर 11 करना था, ठीक है। अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, फिर उसके बाद हमारी जो एक्सरसाइज 3.2 है, ठीक है, ये जो 3.2 है ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। चलो अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो ये है आपका फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, अब ब्लैंक में क्या फिल करना है जरा देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन ये बोला जा रहा है आपसे फिल इन द ब्लैंक्स में, तो ए पार्ट देखते हैं पहले। अ नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर, उसके फैक्टर क्या, सिर्फ 2 फैक्टर, एक तो 1 और ये खुद होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई, बार बार मैंने चिक चिक के चिल्ला चिल्ला के बताया, बताओ कौन सा नंबर होता है, वो होता है प्राइम नंबर होता है, यानी कि प्राइम नंबर जो हमारे पास होता है वो खुद से डिवाइड होता है या फिर 1 से डिवाइड होता है, यानी कि 2 फैक्टर होते हैं उसके, ठीक है। तो यहाँ पे ब्लैंक में आंसर क्या लिखोगे, प्राइम नंबर लिख दोगे। चलो नेक्स्ट बी पार्ट देखो, बी पार्ट में बोला जा रहा है अ नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर है, तो प्राइम नंबर के अलावा दूसरा नंबर क्या बचा हमारे पास, कंपोजिट नंबर बचा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर, यानी कि जिसके 2 फैक्टर हैं, कितने 2 फैक्टर्स हैं जिसके पास, तो वो तो प्राइम नंबर होगा, और जिसके पास मोर देन 2 है, यानी कि 2+, यानी कि 2 से ज्यादा है, यानी कि 3 4 5 6 7 8 9 10 कितने भी हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, ठीक है। 2 से ज्यादा होगा तो हम उसे क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर बोलेंगे, 2+, ठीक है, यानी कि 2 से ज्यादा, यानी कि 3 4 5 6 7 कुछ भी इतने अगर फैक्टर है तो उसको हम बोलेंगे कंपोजिट नंबर, ठीक है। याद रखना है, जब टेस्ट लूंगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछूंगा मैं, इसलिए ध्यान से सुनो अभी। अच्छा अब देखो सी देखो, तो सी में आपसे पूछा जा रहा है 1 is either -and-, तो 1 को किस क्राइटेरिया में डालोगे, तो 1 जो है बेटा 1 ना तो ये प्राइम नंबर होता है और 1 ना ही कंपोजिट नंबर होता है, क्यों, क्योंकि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो क्या होता है, 1 खुद होता है, तो 1 के 2 फैक्टर हो नहीं पाए इसलिए हम उसे कंपोजिट प्राइम नंबर भी नहीं बोल सकते, और 2 से ज्यादा नहीं हो पाए इसलिए हम उसे कंपोजिट नंबर भी नहीं बोल सकते। तो 1 इज द ओनली नंबर विच इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर ए कंपोजिट नंबर, यानी कि 1 क्या है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े बड़े भैया दीदी भी नहीं बता पाएंगे आपके, ठीक है। चलो अब देखते हैं डी पार्ट, इसका डी पार्ट में पूछा जा रहा है द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है भाई, 2 होता है, स्टार्ट किससे होता है, 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर, तो 2 हो गया। अब नेक्स्ट पूछा जा रहा है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो 2 3 तो प्राइम नंबर हो जाते हैं, तो नेक्स्ट क्या बचा, 4 बचा, तो ये बोल सकते हैं 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, 4 सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है और 2 सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, ठीक है, ये हो गया।
अच्छा उसके बाद नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि स्मॉलेस्ट इवन नंबर, ये तो भाई बहुत छोटे छोटे बच्चे भी बता देंगे कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है। बहुत सिंपल है भाई, बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या है? तो इवन नंबर स्टार्ट किससे होता है? टू से स्टार्ट होता है, इट मीन्स टू इज द स्मॉलेस्ट इवन नंबर। ठीक है, तो बच्चों ये था हमारा एक्सरसाइज 3.2, जिसके अंदर मैंने 12 के 12 क्वेश्चन वन बाय वन डिटेल में डिस्कस किया। मेनली इस एक्सरसाइज के अंदर मैंने डिस्कस किया किसके बारे में? प्राइम नंबर के बारे में और कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, अगर आपको प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट क्लियर है 3.1 से, तो आप इन सारे क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हो। तो एक बार सारे क्वेश्चन नोट कर लेना। ठीक है, अगर कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, ऐसा लगा कि सर जल्दी जल्दी बता दिया आपने, तो बेटा वीडियो को एक बार जरूर देखना, जब दोबारा देखोगे तो ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन समझ लिए होंगे। फिर भी कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और हाँ, जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं सबके आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो लाइक नहीं करते हो, मेरी शिकायत है ये, लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो। ठीक है, अगर पहली बार बेटा देख रहे हो मेरे इस चैनल पे वीडियो को, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ठीक है, और हाँ अपने बारे में जरूर बताओ कि सर हम इस स्कूल से देख रहे हैं और ये मेरे स्कूल का नाम है, ये मैं इस क्लास में पढ़ता हूँ, ताकि मुझे भी पता लग सके कि मेरे स्टूडेंट कहाँ कहाँ से मेरी क्लास को अटेंड करते हैं। ठीक है, चलो बाय, इस वीडियो में इतना ही। अब करेंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे 3.3 करेंगे मैथ्स के अंदर, और साइंस में आपका न्यू चैप्टर, यानी इट मीन्स चैप्टर 4 में स्टार्ट करने वाला हूँ आपकी क्लास 6 का। ठीक है, चैप्टर 4 नेक्स्ट वीडियो में लाने वाला हूँ। ठीक है, तो अभी ये 3.2 खत्म, अब 3.3 आएगी मैथ्स के अंदर एक्सरसाइज। ठीक है, चलो अभी के लिए बाय। हाँ ठीक है, तो अच्छे से कुछ देखना और कमेंट जरूर करना। चलो बाय।